दोस्तों शानदार शनिवार का पहला मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, क्या कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। क्योंकि भाई दोनों के कप्तान की बात करूं तो भाई दोनों एक कप्तान है तो भाई फॉरनर, लेकिन भाई फॉर्म भी है ठीक ठाक। लेकिन एक तरफ डेविड वॉर्नर जो इनइफेक्टिव रन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फाफ डु प्लेस जो इफेक्टिव रन कर रहे हैं। सीधे से चलते पहले प्लेइंग 11 की तरफ, क्या कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है आरसीबी की। तो भाई ओपनिंग करने आएंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेस। ये चीज सॉर्टेड है, ओपनिंग करने विराट कोहली, इनफॉर्म बल्लेबाज फाफ डु प्लेस इनफॉर्म बल्लेबाज। उसके बाद नंबर 3 पर महिपाल लोमरोर, मैक्सवेल शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, और यहाँ पर मैंने करण शर्मा को मौका दिया क्योंकि भाई हसरंगा को प्लेइंग 11 में थोड़ा सा शामिल करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप हसरंगा को प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं तो आपको यहां पर वेन पार्नेल को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आप फाफ डु प्लेस को बाहर नहीं कर सकते, आप मैक्सवेल को बाहर नहीं कर सकते, आपके पास बचा कौन। तो हो सकता है यहां पर डेविड विली को आप बाहर करेंगे या फिर किसको बाहर करेंगे, कि भाई बचता है यहां पर सिर्फ एक ऑप्शन, वो है वेन पार्नेल का। आप तो वेन पार्नेल ने एक मुकाबला खेला और अगर आप वेन पार्नेल को बाहर करते हैं तो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं, आपके पास डेविड विली बचते हैं आपके पास, उसके अलावा आपके पास मोहम्मद सिराज बचते हैं और थोड़ा सा चिन्ना स्वामी के विकेट पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉल की जरूरत पड़ी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर दिनेश कार्तिक के बाद मैंने खिलाया करण शर्मा को, जो थोड़े से वनिंदु हसरंगा वाले एबिलिटी के खिलाड़ी हैं, जो थोड़े से लेग स्पिनर हैं, तो एक सिमिलर कैटेगरी के खिलाड़ी होने के नाते मैंने यहाँ पर करण शर्मा को मौका दिया कि भाई सेम चीज़ ऑफर करते हैं वनिंदु हसरंगा और करण शर्मा। तो अगर मैं करण शर्मा के बात चलूँ तो भाई डेविड विली, वेन पार्नेल, सिद्धार्थ कौल, यानी कि हर्षल पटेल की जगह मैंने मौका दिया यहाँ पर सिद्धार्थ कौल को, कि हर्षल पटेल बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए थे पिछले मुकाबले में भी और उससे पिछले मुकाबलों में भी। हर्षल पटेल एक ऐसा नाम जो कंसिस्टेंटली 4 ओवर में 50 रन के आसपास खर्च कर रहा है और साथ के साथ जो है थोड़े से बेवकूफ़ी वाले डिसीजन ले रहे थे, कि लास्ट बॉल अगर मैं पिछले मैच की याद करूँ तो भाई मानकट करने की कोशिश की थी और उसमें भी नाकामयाब रहे थे हर्षल पटेल। तो उसके चलते हर्षल पटेल की जगह भी यहाँ पर सिद्धार्थ कौल को खिला सकते हैं। और उसके बाद आखिरी नाम हुआ है मोहम्मद सिराज का। तो अगर मैं दोबारा से एक बार बॉलिंग लाइनअप दोहराऊं तो भाई आपके पास डेविड विली हो जाएंगे, करण शर्मा हो जाएंगे, वेन पार्नेल हो जाएंगे, सिद्धार्थ कौल और मोहम्मद सिराज, क्योंकि चिन्ना स्वामी में होने वाला है मुकाबला। आपको पहले ही आपको बल्लेबाजी जो है सामने वाली टीम की मजबूत हो सकती है कि भाई बैटिंग पैराडाइज है, तो आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। इसके चलते यहाँ पर वेन पार्नेल एक इंटरेस्टिंग चॉइस बन सकते हैं, लेफ्ट आर्मर है और शुरुआत में तो अच्छी गेंदबाजी करी थी, बाद में थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे। अब चलते हैं यहाँ सीधा दिल्ली की प्लेइंग 11 की तरफ, दिल्ली की क्या कुछ 11 हो सकती है। तो ओपनिंग करने यहाँ पर आएंगे डेविड वॉर्नर, जो कि कंफर्म्ड है, कैसा भी फॉर्म चल रहा है लेकिन है तो आपके कप्तान साहब। डेविड वॉर्नर के साथ बल्लेबाजी करने आएंगे मिचेल मार्श, जी हाँ, शादी करके वापस आ चुका है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया दिल्ली कैपिटल्स के कैंप को और ओपनिंग करते आपको नजर आएंगे डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श। अब मिडिल ऑर्डर जो होने वाला है दिल्ली का, वो काफ़ी हद तक इंडियन मिडिल ऑर्डर होने वाला है। मनीष पांडे, यश धूल, ललित यादव, सरफराज खान, अभिषेक पोरल को मैंने यहाँ पर जगह नहीं दी है, सरफराज खान को जगह दी, क्योंकि भाई चिन्ना स्वामी का मैदान है और चिन्ना स्वामी के मैदान से थोड़ा बहुत वाकिफ है, ये पहले आरसीबी के लिए खेला करते थे और अभिषेक पोरल को इतनी नीचे बल्लेबाजी करा रहे तो वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आरसीबी के मैदान पर चिन्ना स्वामी में अगर आप सरफराज खान को खिलाते हो तो आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डीप हो जाएगा और साथ साथ हो सकता है आप रन भी कर जाएं यहाँ पर सरफराज खान। तो सरफराज खान के बाद अक्षर पटेल एक लौते ऐसे बल्लेबाज जो इंडियन टीम के हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे हैं, तो अक्षर पटेल, उसके बाद कुलदीप यादव और मुकेश कुमार को बाहर करके मैंने ईशांत शर्मा को प्लेइंग में मौका दिया कि भाई क्या कर रहे हैं यार मुकेश यादव, थोड़े से जो बेसिक्स वाली बात होती है ना वो यहाँ पर सवाल उठाने वाली बात बन जाती है। आपने 2 ओवर में 30 रन दिए, 2 विकेट लिए, लेकिन इतनी पास की थ्रो पे आपने इतनी तेज डायरेक्ट हिट मारे से गेंदबाज कितना दूर खड़ा हो, फिर आपने कैच छोड़ दिए, तो ये थोड़े से बेसिक्स है जो इरिटेट करते हैं बतौर कप्तान और छोटी छोटी भूमिका निभाते हैं आपकी जीत में। तो यहाँ पर मुकेश कुमार की जगह मैंने मौका दिया ईशांत शर्मा को, उसके बाद फिज यानी कि मुस्तफिजुर रहमान और फिर जाते जाते एनरिक नोरकिया। तो ये कुछ प्लेइंग 11 हो सकते हैं, यानी कि 4 जो फॉरनर्स है वो है डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर और एनरिक नोरकिया, यानी कि ऊपर के 2 और आखिरी के 2। तो ये है कुछ प्लेइंग 11 और मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरा का पूरा इंडियन है। तो आपकी क्या राय, जो कुछ भी आपकी राय हो, किसको मौका मिलना चाहिए, रोमन पावल को यहाँ पे बाहर बिठा सकती है टीम, फिल्सार्ड को अभी तक मौका नहीं मिला, जो कुछ भी आपको लगता हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।